हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसर कोलकाता के बारे में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट उन्होंने देखिए सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूट्यूब पर डाल सकते हैं दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है उनके बारे में अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में, इसके अलावा साइंटिस्ट पोजिशन के बारे में, तो ऐसे ही साइंस से रिलेटेड जितने भी पोजिशंस निकलती हूँ सबके बारे में मैं यहाँ पे जो है रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR JRF, DVT JRF, ICMR JRF या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जो है BSc MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे रेगुलरली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो भी आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप यहाँ मेरे चैनल पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और जो जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सारा जो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आईसर कोलकाता ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पोजिशंस को निकाली गई है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS या TPWD कैटेगरी के लिए पोजीशन निकाली गई। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है इन्होंने पोजीशंस निकाली हैं और यहाँ पे जनरल की कोई भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो यार देखिए, आईसर कोलकाता इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर पोजीशन एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फ्रॉम इंडियन नेशनल्स हु आर डायनेमिक विद स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड अ फ्लेयर फॉर टीचिंग एंड रिसर्च एंड द स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी फॉर फैकल्टी पोजिशन इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन कर रखी है, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंसेस, अर्थ साइंसेस, ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेस। तो इन सारी डिसिप्लिन में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है फ्रॉम इंडियन नेशनल्स ओनली, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन कर रखा है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी प्रोसेस थ्रू ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ का अगर बात करें एलिजिबिलिटी, पे और सर्विस कंडीशन की, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 की वैकेंसीज हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अगर PhD होना चाहिए फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एट द प्रोसीडिंग डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच विद वेरी गुड अकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। सैलरी जो आपको यहाँ पे Level 10 मिलेगा Level 10 का विद इनिशियल पे ऑफ ₹70,900 प्लस आपका अलाउंस दिया जाएगा, चाहे वो आपका DA हो चाहे HRA हो। इसके बाद आपका अगर PhD के बाद 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपको जो है पे Level 10 से ट्रांसफर होके आपको पे Level 11 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपका इनिशियल जो पे है वो ₹73,100 प्लस आपका HRA कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1, तो यहाँ पे अगर आपका PhD है फर्स्ट क्लास में और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है और आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड वाइल परसुइंग PhD, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एकेडमिक पे लेवल का सैलरी दिया जाएगा वो Level 12 रहेगा विद इनिशियल पे ऑफ ₹1,01,500 प्लस आपका जो भी अलाउंस आएगा चाहे वो DA हो चाहे HRA हो। और यहाँ पे जैसे ही आप 3 ईयर्स अपना रेगुलर सर्विस दे देंगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1 एट एकेडमिक पे Level 12, तो आपको जो है कंसीडर किया जाएगा मूविंग टू Level 13 है। तो यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, अगर आपने 3 ईयर्स जो है रेगुलर सर्विस दे दिया तो आपको Level 12 से Level 13A में आपको जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपका जो इनिशियल पे है वो बढ़ के ₹1,31,400 हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड एंटीसीडेंट एंड विल हैव ए कंटिन्यू टू बी डिजिग्नेटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर 2 एक Grade 2 एक Grade 1 है, तो और ये सारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी चीज़ के लिए एलिजिबल, आपका जो भी एलिजिबिलिटी हो आप उसके लाइक बेस पे जो है आप
असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन की। तो सारी एलिजिबिलिटी आप मेंशन कर रखिए, अगर आपको जो भी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर का, तो यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री में, गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, मिनिमम 6 ईयर्स का आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल 13A2 दिया जाएगा विद इनिशियल पे ऑफ 1,39,600 प्लस आपको जो है डेली अलाउंस या आपका एचआरए दिया जाएगा। प्रोफेसर के लिए पीएचडी विद फर्स्ट क्लास डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, मिनिमम 10 ईयर्स का आपका टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी आपका दे मिलेगा वो आपका मिलेगा पे लेवल 14A के अकॉर्डिंग 1,59,100 प्लस आपके अदर्स अलाउंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी लाइक अदर अलाउंस दिए जाते हैं, चाहे वो डीए एचआरए टीए हो, सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल पेंशन स्कीम सेल भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है आपका या आपकी फैमिली आपके डिपेंडेंट फैमिली का, वो एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स रहेगा, तो उसका जो है रीइंबर्समेंट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट फॉर टीचिंग रिसर्च आपको दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ रीलोकेशन चार्जेस एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स भी आपको यहाँ पे फॉलो होगा, कंप्यूटर एक्सेसरीज स्टेशनरी एंड बुक्स कंज्यूमर्स एंड माइनर इक्विपमेंट टेबल सपोर्ट फॉर एकेडमिक विजिट एंड कोलाबरेटिव वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक रिसर्च फंड आपको यहाँ पे कर सकते हैं। एकेडमिक रिसर्च फंड आपको दिया जाएगा ईयरली, तो आप उससे अपना कंप्यूटर एक्सेसरीज या स्टेशनरी या बुक्स या टेबल जो है वो आप कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट आपका रहेगा टेलीफोन बिल्स टू फैकल्टी मेंबर पर मंथ, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल इनमें से किसी के लिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, और आपको यहाँ पे एटलीस्ट 3 रेफरेंस लेटर देने पड़ेंगे फ्रॉम अ पर्सन वेल एक्वेंटेड विद कैंडिडेट वर्क आर इसेंशियल फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए लास्ट डेट जो मैंसन कर रहा है 15 अक्टूबर 2021, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, फैकल्टी मेंबर्स एट डिफरेंट लेवल्स आर रिक्रूटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आर स्क्रीन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो इन्होंने बोला है कि आपका जो लाइक मेरिट बनेगा या आपका सिलेक्शन होगा वो रिसर्च एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिसर्च प्लान, एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कशन एंड क्वालिटी ऑब्लिक एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन रेपुटेड जर्नल्स, अदर पब्लिकेशन इन बुक्स चैप्टर्स इन बुक अदर देन रिफर जर्नल आर्टिकल्स, पोटेंशियल रिसर्चर, क्रिएटिव वर्क ईटी से। तो इस एक टाइप का आपका पूरा एपीआई इंडेक्स हमें बनाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन के लिए जो है बुलाया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये जो है आपका जो है सेलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आपका कंसर्न डिपार्टमेंट या आपका जो भी सिलेक्शन कमेटी है वो आपको डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि आपका पूरा जो है अच्छे से अप्लाई करने से पहले आप ये पूरा जो एडवर्टाइजमेंट उसे अच्छे से पढ़ें, ताकि आप जो किसी भी टाइप का जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।